जी सारे वधिया ठीक ठाक हो सारे बिल्कुल सर बिल्कुल खैरियत सब तो पहला जी तुहानू सारयां नू पाकिस्तान आन ते और दरबार साहब करतारपुर आन ते खुश आमदीद और जी आयां नू कहने आ थैंक यू पहली गल ते आ कि तुहाडी अंदर चैकिंग कोई नहीं होनी अपने डाकूमेंट्स और पासपोर्ट तुसीं अपने कोल सांभ के रखने ने ते आ जिहड़े तुहानू कार्ड दित्ते ने इह कार्ड इसे तरह तुसीं गले च इहनां नू पा के रखना गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग के बारे मैं तुहानू थोड़ा जिहा गाइड कर दिंदा ताकि तुहाडे वास्ते सारी यात्रा सौखी रहे जिस तरह यह सामने वाला दरवाज़ा तुसी क्रॉस करोगे दरवाजे के बिल्कुल नाल ही सजे हथ पहला कमरा जोड़े घर दा उत्थे तुसी जोड़े जमा करवाने ने जोड़े जमा करवाने तो बाद अगर कोई लंगर या रसद लैके आए हो हाल के बिल्कुल सामने काउंटर लग्या होया वो तुसी नोट करवा के सामने काउंटर ते जमा करवा देनी है उस काउंटर के बिल्कुल कोलों ही लैफ्ट साइड नूं बरांडा बनया होया और उस बरांडे चों तुसी अंदर इन होना बरांडे विच थोड़ा जिहा अगे जाओगे ऐसे साइड नूं तो बरांडे के अंदर ही सरोवर साहब का प्रबंध किया उत्थे तुसीं इशनान कर सकते हो मेन गुरद्वारा साहब जिहड़े ने वो बिल्डिंग के बिल्कुल सेंटर विच ने हाल के अंदर थोड़ा जिहा अगे जाओगे हाल के अंदरों ही तुहानू गुरद्वारा साहब के दर्शन हो जाएंगे दर्शन करन तो बाद अगर तुसीं लंगर हाल जाना है तो अंदर जाके जदों गुरद्वारा साहब के बिल्कुल लैफ्ट साइड में देखोगे उधर तुहानू एक ऐसे तरह की ड्योड़ी नज़र आएगी उस ड्योड़ी के मत्थे ते लिखा होगा करतारपुर करता वसे संतन के पास उस करतारपुर वाली ड्योड़ी दे बिल्कुल बैक साइड ते लंगर हाल उत्थे तुसी लंगर करना है लंगर करन तो बाद अगर तुसी मार्केट जाना चाहो तो वापस इत्थे आके जोड़ा घर जोड़े पा के इधरों दिया रस्ता सीधा मार्केट में जा रहा सैकेंड साइनबोर्ड ग्रीन कलर का लग्या होया वो मार्केट के अंदर है मार्केट के वाशरूम की फैसिलिटी भी होगी बाकी बिल्डिंग के अंदर हर जगह साइनबोर्ड लगे हुए हैं वो दसते पे ने कि चीज़ किस साइड में फिर भी अगर गल पुछण की लोड़ पै जाए तुसी पुछ सकते हो और लास्ट तुहाडा जिहड़ा इत्थे स्टे दा टाइम है वो 4 बजे तक दा आखिरी बस जिहड़ी वो 4 बजे तो निकलनी है कोशिश करनी है 4 बजे तो पहले तुसी इत्थे पहुँच जाओ ताकि अपने टाइम से तुसी वापस जा सको बस यही गल्लां सन असीं आस करांगे तुहाडा अज दा दिन बड़ा यादगार थैंक यू सर हमें साथी है हमारे और ये जूते हमें जमा कराने हैं और सर सॉक्स इंग्लिश आती नहीं है हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी है जितनी आपकी क्या इंग्लिश पंजाबी हो गया तो हमारी पंजाबी उतनी अच्छी है जितनी हमारी इंग्लिश है थैंक यू हम ऐसे रख देते हैं यार नहीं मैं आप खुद रखेंगे ये भैया आप देख सकते हैं सेवा कर रहे हैं क्या नाम है सर आपका नाम सुना नहीं हमें अहमद जी थैंक यू अहमद जी सेवा कर रहे हैं सर एक ही है हमारा तीनों का एक में रख दो हमारे ये हमारा तीनों ठीक 64 है ये डॉक्यूमेंट आप बैग में डालते हैं भैया लॉकर कहाँ मिलेगा अपने को यहाँ पे ये रख देते हैं यार हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं बैग वगैरह हमारी दो दरवाजे छोड़ के ना तीसरे नंबर वाला दरवाजा लॉकर थैंक यू और अब हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें इसमें डाल रहे हैं हम डॉक्यूमेंट डाल देते हैं नूर भादरा का मीठा पानी पिया होगा और आज हम पाकिस्तान में आ गए हैं और पाकिस्तान का हालांकि हम पानी पी लेते हैं पानी गर्म तो इनका आ ही नहीं रहा और ठंडा पानी हमारा पीने की इच्छा है और आप खाते ही हमने पाकिस्तान का पानी पी लिए अब आपको पूरा कॉरिडोर हम लोग दिखाएंगे और लॉकर तो अब ये लॉकर है हमारी पास वज़न बहुत हो गया वीडियो फ़ोटो में काफ़ी दिक्कत हो रही है तो इस लॉकर में हम हमारा सामान रखकर जा रहे हैं गुरुद्वारे में और ये बैग एक पास में रखेंगे अपन छोटी वाली बैग मेरी हाँ ये रख लो आप बैग से पता चल रहा है ना आप राजस्थान के हो वो पुलिस वाला भाई कह रहा था पाकिस्तान वाला बोलो भाई साहब आपके बैग देख के पता चल गया पाकिस्तान के हो क्या ये मुकेश जी बहुत जानकार आदमी है अमृतसर के इस इलाके के हमने आज इनकी जानकारियाँ परख के देखी है बैग तभी ले आना और आप गेट बड़ा बढ़िया इनका और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है ये गुरुद्वारा हम आपको अब वहाँ जाकर भी दिखाएंगे इसकी सुंदरता आप हमारे भादरा लाइव के कैमरे में देखिएगा और हम आपको आगे ले चलते हैं ये शानदार गुरुद्वारा जो कि पाकिस्तान में है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाता है और आप हमारा चैनल इस वक्त देख पा रहे होंगे हम आपको उस और अब ले चलते हैं आप सोच रहे होंगे चश्मा कैसे बदल रहा है बार बार
ये मैं इसलिए बदल रहा हूँ यहाँ पे इसकी सुंदरता को देखने के लिए, इसके सफ़ेद रतन देखने के लिए, इस चीज़ को निहारने के लिए मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि आप यहाँ पर क्वालिटी क्वांटिटी खाना वो चीज़ें हम आपको अब दिखाएंगे। और ये गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारा के अंदर भजन कीर्तन भी इस वक्त जारी है, लंगर भी हम खा के आएंगे। आज हम तो नाश्ता ही नहीं करके आए थे सुबह से, भीम जी ने कहा आज लंगर खवाता हूँ आपको कॉरिडोर का, और पाकिस्तान का आज खाना खाएंगे हमारा आज सुबह का भोजन आज पाकिस्तान में करेंगे। आज इसने कहा था हम सुबह का भोजन पाकिस्तान में करेंगे, और आज इसकी बात सही निकली। बात का बहुत पक्का आदमी है। हालांकि हम नाश्ता पानी कर लेते हैं, और आप अलाउंसमेंट भी सुन पा रहे होंगे, और हम अभी जा रहे हैं। आप सारे लोग इस वीडियो को शेयर करें। ये आइडेंटिटी कार्ड है हमारा, आपको दिखाना भूल गया था। इस पर लिखा है बहुत बढ़िया कुछ लिखा है, बाकी उर्दू में, इंग्लिश में भी लिखा है, हालांकि उर्दू नहीं इंग्लिश में भी चल ही रहा है। और ये हमारे भैया जी हैं, आप देख सकते हैं, ये आई कार्ड दिखा रहे हैं, आई कार्ड यात्री कुछ इस लिखा हुआ है इसमें। और ये गुरुद्वारा है, यहाँ पे हम फोटो शूट वगैरह करेंगे, आप थोड़ा इंतज़ार रखें। फोटो शूट भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, और ये आप देख पा रहे होंगे गुरुद्वारा, यहाँ पर भजन कीर्तन भी चल रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम लोग आए हैं, उसको देख सकते हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाएंगे, और पाकिस्तान के यात्रियों के साथ। ये बैग आप लेके आए हो क्या? इनकी है। और आप देख पा रहे होंगे पाकिस्तान के यात्रीगण भी यहाँ आए हैं, पाकिस्तान के यहाँ भाई हैं, गुरुद्वारे के अंदर सेवा भी करते हैं। और मैं आपको पूरा गुरुद्वारा दिखाऊंगा, इसके अंदर भी सिर पे कुछ हमें बांधना पड़ेगा, क्योंकि बिना बांधे अंदर नहीं जाने देंगे हमें। और ये देखिए शानदार गुरुद्वारा और शानदार इलाका। उर्दू में यहाँ कुछ हालांकि लिखा हुआ है, पर हमने सुबह ही कहा था आपको, हमारी उर्दू उतनी ही अच्छी है जितनी हमारी फ्रेंच। और यहाँ पर सेवा भी की जा रही है, पाकिस्तान के भाई लोग आए हुए हैं, लंगर खाएंगे, और लंगर भी आपको दिखाएंगे। दीवान आस्थान यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ पंजाबी में है। और आप सारे लोग इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हम आपको इतना अच्छा पाकिस्तान का ये नज़ारा दिखा रहे हैं, ये आपको दिख सके। और ये पाकिस्तान के भाई हैं, इनके साथ हमारे हिंदुस्तानी लोग इस वक्त कुछ बातचीत कर रहे हैं, और लाके मिलना जुलना चलता ही रहता है। और आप देख पा रहे होंगे साथी हमारे, और भैया नमस्कार, कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान से विजिटर हैं आप भी जी? पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? मुल्तान से। कितना दूर है यहाँ से? मुल्तान यहाँ से तकरीबन 7 से 8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे का रास्ता है, यानी आप लगभग 500-600 किलोमीटर दूर से आए हैं यहाँ पे। कैसा लगता है यहाँ पे आके? अच्छा लगा। पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। कैसा है पाकिस्तान का माहौल, कैसा सब चल रहा है वहाँ पे? सब खैरियत चल रहा है? आईपीएल देखते हैं वैसे पाकिस्तान में? क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट में कौन अच्छा लगता है आपको? हिंदुस्तान की टीम में कौन अच्छा लगता है? मुझे युवराज सिंह। आपको कौन लगता है? क्रिकेट नहीं देखते आप भैया? आप तो देखते होंगे, आप तो बड़े स्मार्ट। आपको कौन अच्छा लगता है? हाजी युवराज जी, महेंद्र सिंह धोनी अच्छा नहीं लगता? नहीं देखते। पाकिस्तान की टीम में सबसे बेस्ट कौन है? हाजी बाबर आजम सबसे बढ़िया। अब तो टीम भी मजबूत हो गई आपके पाकिस्तान की, पहले से तो टक्कर दे रही है एकदम। भारत में कभी जाने का मन हुआ? कभी इधर भारत में जाके आए कुछ देख, क्या देखने का मन है भारत में? ताजमहल, लाल किला, कुछ कभी इच्छा हुई है? काम क्या करते हैं आप? हाजी
कलर रंग या पेंटिंग पेंटिंग करते हैं आप? पेंट करते हैं, पेंटिंग को नाम मानने वाली होती है जैसे। वो क्या लिख रखा है वैसे, हमें वो पढ़ने में नहीं आ रहा, वो उधर जो उर्दू में लिखा हुआ है। करतारपुर, दोनों भाषाओं में करतारपुर लिखा है क्या? अच्छा 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 अच्छा। और कुछ कहेंगे इंडिया के आपको लोग देख रहे होंगे, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार कैसी है मतलब, सब जैसा पाकिस्तान का सुनते हैं कि उधर अभी इकोनॉमी डाउन चल रही है, और वो सब है क्या उधर अभी भी? नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं है अभी। अभी पाकिस्तान में नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट भी सब बढ़िया कर रही है एकदम आपके यहाँ जी, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, हाथ मिला लेता हूँ मैं भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुलशन सोनी नाम है मेरा, भाजरा लाइव से न्यूज़ चैनल है नाम से, और यहाँ पे पहली बार ही आपकी तरह ही आया हूँ मैं। और आप अब देख पा रहे होंगे ये लोग भी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, और ये विजिटर है। मैम हेलो, आप देख सकते हैं कहाँ से आए मैडम, कैसा लग रहा है मैडम यहाँ पे आके? फर्स्ट टाइम आए हैं आप भी हमारी तरह? जी जी जी, थैंक यू। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारी तरह फर्स्ट टाइम वाले हैं सारे, और ये भी अभी कुछ बात चल रही है, और आप देख पा रहे होंगे ये गुरुद्वारा है। हम हालांकि कुछ फ़ोटो शूट करा लेते हैं, उसके बाद आपसे पुनः आपको हम हमारे लाइव दिखाएंगे, लाइव में आपके साथ हम पुनः जुड़ेंगे। फर्स्ट टाइम पर थोड़ा बता दीजिए आप फिर। गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल सबसे ज्यादा लंबा अरसा यहाँ पे गुजारा। गुरु नानक देव जी के बारे में तो आप जानते हैं, सिख मजहब के पहले गुरु जो है, तो वैसे तो वो सारे धर्मों के लिए थे, उसी तरह मुसलमान भी गुरु जी को अपना पीर मानते थे। जब उन्होंने ज्योति ज्योत समाना था इतिहास अनुसार, वो जंगल लेके लेटे, तो जो दोनों मजहब वाले थे, जो मुसलमान थे और जो संतें थी उस टाइम की, उनमें झगड़ा छिड़ गया। उनका कहना था मुसलमानों का कि ये हमारे पीर है, तो हम अपने धर्म अनुसार उनको दफन करेंगे, और संतों का था कि हम संस्कार करेंगे। झगड़ा काफी बढ़ गया। फैसला लेने के लिए जब चादर उठाई थी, तो इतिहास अनुसार गुरु जी नहीं थे, अलोप हो गए थे, ज्योति ज्योत समा गए थे, उनकी दही नहीं मिली, उस जगह ताजा फूल पड़े हुए थे। फिर वो फूल और चादर उन्हीं समय बांट के यहाँ पे संतों ने संस्कार किए, समाज सब अंगीठा सा बनाया, और बाहर जिस स्थान के आप जिन्हें दर्शन किया, वो मजार साहब, जहाँ पे मुसलमान भाइयों ने आधे फूल चित्र अपने धर्म अनुसार दफन करके मजार दरगाह कबर बनाया था। इससे आगे आप दर्शन करके बिल्कुल सामने निकलते हो, सामने सीढ़ियाँ, अपनी सीढ़ियों से ऊपर चले मेन गुरुद्वारा साहब ऊपर। अगर आपको कुछ गुरुद्वारा साहब के रिलेटेड या कुछ भी पूछना हो, आप दर्शन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों दोनों धर्मों के लिए गुरु नानक देव जी ने एक तरीके से कहें तो मुसलमान भाई उन्हें अपना पीर मानते थे, और हिंदू भाई उन्हें अपना एक तरीके से संत मानते थे, और उनके लिए यहाँ से ऊपर चले जाए मैडम। तो आप देख पा रहे हैं इस सीढ़ियों से नीचे आएंगे, और मुसलमान भाइयों ने अपने गुरु नानक देव जी को पीर माना था, और हिंदू भाइयों ने उन्हें संत माना था, जिनको लेकर यहाँ पर शानदार एक संगम कह सकते हैं। यहाँ पर एक तरीके से कहें तो खेती की जाती थी, और हम आपको भी ऊपर ले चलते हैं, ऊपर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से गुरुद्वारा बनाया गया है। और अब आप, हाँ जी, क्या हुआ? आप देख पा रहे होंगे बड़ा ही शानदार यहाँ पर माहौल है, और सर जो है वो करांची से आए हैं। सर हेलो, हेलो, क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, बेहतरीन माहौल है, हम पाकिस्तान में रहते हैं और काफ़ी लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं आपके, खास तो आउट ऑफ कंट्री में, बड़ा अच्छा लगता है, अपना माहौल लगता है। मेरी बात, यहाँ लोगों में कोई भी ऐसी बात नहीं, सब मोहब्बत ही प्यार है। सर एक तरीके से कहें तो गुरु नानक देव जी को मुसलमान भाइयों ने पीर मान रखा है, हिंदू भाइयों ने संत माना है, और एक तरीके से पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर एकता का प्रतीक इसे कह भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब हम भी आए हैं, आप भी आए हैं, मिलजुल कर बात कर रहे हैं। तब से असल में देखा जाए तो मेरे हिसाब से गुरु नानक साहब सूफी फकीर थे। सूफी का मतलब कोई मज़हब से नहीं होता है, ये होता है प्यार मोहब्बत से, और जो भी मज़हब प्यार मोहब्बत से बनता है उसमें भरी चीज़ें कम होती है। यहाँ पे मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं,
यहाँ पे नहीं बल्कि गुरु नानक साहब के जो भी स्थान है उनके सब पे आते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है कि अमृतसर में जो भी कीर्तन होता है पहले मुस्लिम स्टार्ट करते हैं फिर आके ये करते हैं सिख। बाकी ये तो मोहब्बत का प्रचार है, मोहब्बत का दीन है। क्या कहेंगे सर इंडिया के लोग इस वक्त आपको? नहीं, बहुत अच्छे इंडिया के लोग, बहुत अच्छे हैं, कोई फर्क नहीं है। असल में पाकिस्तान भी पहले इंडिया ही था, उसको सिर्फ एक लकीर देके काटा गया। बाकी ये लोगों में मोहब्बत में कोई फर्क नहीं है, केवल एक लकीर बीच में सर लकीर आ गई। तो पहले पाकिस्तान क्या था, इसके हिस्ट्री पर पूरा हिंदुस्तान था, इसके सिर्फ कुछ हिस्से दिए गए थे उसको। बाकी लोगों में वही भी मोहब्बत है, कोई बात नहीं। हम खुद भी इंडिया में आते रहते हैं, कोई ऐसी बात लोगों के बीच में नहीं है। सर आप क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट बहुत कम देखते हैं, अभी वो टाइम खा गए। अच्छा उस टाइम देखते सर इंडिया का कौन सा प्लेयर आपका बेस्ट था उस टाइम? इंडिया का तेंदुलकर, अजहरुद्दीन बहुत अच्छे खेलते थे। आप पाकिस्तान में? हम पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन से प्लेयर आपको अच्छे लगते हैं? पाकिस्तान में तो हमने यार बहुत टाइम से छोड़ दिया खेलना, हो देखें जैसे बिजनेस में आ गए तो उसके बाद हर चीज़। क्या बिजनेस करते हैं? मेरा ब्रोकरी है गंदम का, सरसों का। अच्छा अच्छा अच्छा। वेल का जो जमीन से चीजें निकलती उसका हमारे फ्लोर से। हमारा भादरा लाइव नाम से न्यूज़ चैनल है राजस्थान में, आपको हमने बताया भी था थोड़ी देर पहले। क्या कहेंगे हमारे तमाम लोगों को आप? बहुत अच्छा है, मेहरबानी, बहुत अच्छे चैनल है, बहुत डिसलाइक देते हैं, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। पाकिस्तान से आप? पाकिस्तान से। क्या क्या आप बताएंगे इसके बारे में थोड़ा, क्या इसको ले जा सकते हैं, कैसे क्या सिस्टम है? ये अमृत जल है, खूह साहब था यहाँ से बाबा ने खेती बाड़ी की, उसी खूह का जल है। अच्छा, ये वाटर फिल्टरिंग प्लांट लगाया है, ये अमृत जल प्योरीफाई करके फिर संगत के गाल ले जाने के लिए इनके फिल्म होती है। कितने रुपए का? 100 रुपए का? 50? नहीं नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है। अच्छा, संगत अब ले जा सकती है अपनी श्रद्धा से। अच्छा, इसको ले जा सकते हैं श्रद्धा से, अगर देना चाहें तो हम यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, अगर कुछ अपनी श्रद्धा से रखना चाहें वो रख सकते हैं, कीमत इसकी कोई। अच्छा, इसको हम दे सकते हैं, आप गाल ले जा सकते हैं, ये लोग आपको ले जाएंगे। गुरुद्वारे का क्या इतिहास है, कब बना था? ये बम भी यहाँ पे रख रखा है, फूटा नहीं। 1971 की जंग में वो इतिहास लिखा है, वो सारी हिस्ट्री लिखी है। 1971 की जंग में इंडिया फोर्स ने जो फेंका था उसा में गिरा था, लेकिन चलाने मिस हो गया था, मिस हो गया। और ये जादू ही है गुरुद्वारे का, जिस कारण से यहाँ पे नहीं हुआ। हमारा आखिरी 18 साल जिंदगी का बाबा ने इधर गुजारे। कितना पुराना गुरुद्वारा सर? ये है 120 साल पुराना है। 120 साल? इतना बड़ा परिसर तब से बना है क्या ये? हाँ तब से ही। कितने लोग आ जाते हैं लगभग यहाँ पे? रोजाना ये आपके संगत आ रही है 500 के करीब आ रही है, 500-550। हमारे इधर पाकिस्तानी लोकल भी आ जाते हैं। आप पाकिस्तान में कहाँ से है? मैं इधर नारोवाल से। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 17-18 किलोमीटर। कैसा चल रहा है सब पाकिस्तान में? बढ़िया सब, बढ़िया है। इंडिया में भी कभी आने का मन होता है आपका? इंडिया में कभी नहीं आया। क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट देखते हैं? हाँ हाँ, बढ़िया। अच्छा अच्छा, कौन सा इंडिया का कौन सा प्लेयर बढ़िया लगता है आपको? प्लेयर तो पाकिस्तान का कौन सा लगता है? पाकिस्तान भी ठीक है, प्लेयर सारे ठीक है, जो लेकिन जिसकी कारकर्दगी बेहतर हो वो। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं और भी यहाँ पे सेवक है सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो, क्या नाम है आपका? मैं ना जग्गा सिंह जी। जग्गा सिंह, क्या करते हैं सर यहाँ पे आप? सेवा करते हैं। अच्छा, कैसे गुरुद्वारे में कैसा कुछ लोग आते हैं, कैसा कुछ रिस्पांस आता है जनता? हिंदुस्तान भारत के लोग एक तरीके से प्रेम भाव से यहाँ पे आते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा है, खुशी होती है। दोनों देशों को देखते हैं एक साथ यहाँ पर, कोई फोटो खिंचा रहा है आपस में, कोई पानी पी रहा है, लंगर वगैरह भी चलता है क्या यहाँ पे? हाँ जी, वो सामने लंगर हाल, इसकी बैक साइड पे लंगर हाल है। अच्छा, इसकी बैक साइड ही मार्केट है? हाँ, मार्केट इसकी बैक साइड। जी 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 जी, आप देख पा रहे होंगे ये भाई भी पाकिस्तान से आए हैं। भाई साहब कहाँ से हैं? बसरूर से। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। कैसी व्यवस्था? इतना शांति है, इतनी बढ़िया जगह है। खान साहब को कारण मिलता है सारा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, खुसन इमरान खान साहब को, दोनों पंजाबी पाकिस्तानियों का। हिंदुस्तान के लोग भी यहाँ आते हैं, हिंदुस्तान की आवाम भी आते हैं। क्रिकेट देखते हैं आप? क्रिकेट बहुत। कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा लगता है आपको? क्रिकेट में बाबर आजम भी अच्छे। इंडिया में चले जाएं तो अच्छा टैलेंट है उनके पास में। अच्छा टैलेंट। अभी आपकी टीम बहुत मजबूत हो गई है, मतलब अब तो पूरी एकदम हर बार। आईपीएल भी देखते हैं क्या? आईपीएल आपकी टीम भी आईपीएल में आते हैं? कई खिलाड़ी नहीं, देख लेते कोई खिलाड़ी नहीं है। पीएसएल पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है। अच्छा, मतलब ये रिसेंटली लाहौर के अंदर इसमें। यस यस,
क्या कहेंगे सारी आवाम आपको? हम इंडिया से हैं, इंडिया से आपको, राजस्थान से हैं मोस्टली, तो आपको सुना होगा नाम, क्या कहेंगे हमारी आवाम को तमाम? हम कहेंगे कि हम अमन का पैगाम देते हैं, पाकिस्तानी हम नहीं चाहते। अब रोजे भी चल रहे होंगे ना पाकिस्तान में, अभी रमजान चल रहा है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और एक पुरअमन चीज़ों को प्रायोरिटी देता है, ठीक है। और हमारे इंडियन ब्रदर्स सिख कम्युनिटी यहाँ आए, उनका वेलकम करते हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था की है, स्वागत भी करते हैं, बसें छोड़ के जाते हैं, वेलकम करते हैं तमाम सिख कम्युनिटी का, इंडिया में और पूरी दुनिया में जितने भी हैं, ठीक है, उनका स्वागत करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, हम उनकी मेज़बानी करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं हमारे साथी हैं और भी भाई हैं। सर क्या कहेंगे कॉरिडोर के बारे में? इतने शानदार आज आप इधर गल कर लो, आप बता, आप तो आपसे ही करेंगे, आपने मना कर दिया। तो अभी बाहर से आया, मुझे नहीं पता यहाँ पे, ये तो देखा ही होगा, इसका एक्सपीरियंस कैसा है आपका? अभी देखा नहीं है, पहली बार आया। अब कितनी देर हो गई यहाँ पे आए हुए आपको? 10-15 मिनट हो गए अभी आए हुए आप। अब क्या कहेंगे सर इस कॉरिडोर के बारे में? पाकिस्तान से एक जगह से हैं चारों साथी आप? हाँ, पाकिस्तान से। क्या कहेंगे इस जगह के बारे में? ये बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, जो राहदारी खोली हुई है, इससे हम भी मिलते हैं उनसे, वो भी मिलते हैं हमसे। जी तो आप, थैंक यू भैया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ ही, हमारा सर न्यूज़ चैनल है, मैं आपको बता दूं भादरा लाइव नाम से, इंडिया में व्लॉगर नहीं हूँ वैसे, आज फर्स्ट टाइम हमारे जनता ने कहा कि आप व्लॉग बना दिखाना कि एरिया कैसा है, तो नेट तो यहाँ पे हमारा चलता नहीं इंटरनेट, तब हम आपको फिर वो दिखा देते हैं सबको। हाँ जी, व्लॉग नहीं बनाते हमारा, सिर्फ न्यूज़ चैनल है, आज स्पेशली फॉर कह दिया तो वैसे ही बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये गुरुद्वारा है और ये पाकिस्तान के लोग हैं, इनमें अपने देश के लिए कटरता है और कटरता से ये कह रहे हैं, हालांकि इनके पास है तो अट्टा ही नहीं पूरा सूरा, बट फिर भी बढ़िया है, बहुत शानदार एक तरीके से कहें तो। और ये देख सकते हैं हमारे फोटो जीवी साथी हमारे, ये देख सकते हैं दोनों के दोनों, इनको फोटो के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा, सुबह से बस आए तब से। लंगर खाना नहीं है क्या? लंगर तो आपको खाना है? नहीं, पहले लंगर खाएंगे यार, लंगर पहले आप ही खाओ। कहाँ पे? मार्केट में तो अपने पैसे नहीं लेके आए। अच्छा, आपका है क्या उधर सिस्टम? उधर वो जानकार है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्ट सिस्टम है। अच्छा अच्छा, रेंजर्स नाम स्पेलिंग आती है, रेंजर्स स्पेलिंग सुना, रेंजर की आवाज करता है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे तमाम लोग, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हम आपको लाइव यहाँ से पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर से दिखा रहे हैं, और अभी थोड़ी देर बाद हम आपको और भी यहाँ पर पूरा क्षेत्र दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ लाइव जुड़े रहें। दोस्तों अभी हमने बहुत बातचीत की है, यहाँ पर पाकिस्तान के लोग आए थे ऊपर गुरुद्वारे में, ऊपर तक जाके आए हैं, हमने इनसे अनुमति मांग ली थी कि आप हमें अंदर जाने दीजिए, और ये इन्होंने स्वीकार भी कर ली। यहाँ पर पाकिस्तान के लोग भी आए हैं, हिंदुस्तान के लोग भी आए हैं, और अब लंगर करके आएंगे, हम आपको लंगर की व्यवस्था दिखाते हैं कि लंगर में किस तरीके से क्या होता है। और आप देख सकते हैं बड़ा वातावरण, बड़ा मुझे यहाँ पर शांत लगा, शानदार लगा, और अब हम आपको अंदर भी लेके जाएंगे, अंदर भी दिखाएंगे। हमारे साथ ये अंकल जी भी हैं, अभी आ रहे हैं शायद। अंकल जी नमस्कार। तो आप देख पा रहे हैं, और अब थोड़ी देर में लंगर में आपको ले चलेंगे और लंगर हम आपको दिखाएंगे। अभी लंगर हॉल हम जा रहे हैं, वहाँ पर बढ़िया लंगर करेंगे। लंगर करने के बाद हम आगे का प्लान बनाएंगे, उस और मार्केट है, वो मार्केट का उन्होंने भैया ने बताया था कि आपके यहाँ मार्केट है, वहाँ मार्केट भी आपको दिखाएंगे। हो सकता है वीडियो को दो पार्ट में अपलोड करनी पड़े, हम आपको लंगर भी दिखाएंगे, लंगर हॉल के अंदर लेकर जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, आप देखिए ये लंगर हॉल में हम आपको लेकर जा रहे हैं, यहाँ से सीधी मार्केट, ये शायद ये यहाँ पर लोग आए हैं आसपास के इलाकों के, और ये लंगर हॉल है, ये हम आपको ले चलते हैं दिखाते हैं। तो ये लंगर हॉल है इनका, और यहाँ पर देखिए शानदार खाना भी दिया जा रहा है, और आपको एक गजब की चीज़ दिखाता हूँ, वो देखिए फर्श को साफ करने के लिए यहाँ पर एक
मशीन लगाई हुई है और ये यहाँ पे देखिए जैसे जैसे पानी गिरेगा और पानी गिरने के साथ साथ पीछे से इनके नीचे लगे हुए हैं रबड़ और रबड़ के साथ साथ जो कपड़े का भी लगा हुआ है जो कि कोचे टाइप यहाँ पर काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर लोग अब खाना खा रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पे खाना खा रहे हैं। हमारे मुकेश जी तो शुरू भी हो गए हैं मेरे ब्लॉग खत्म होने से पहले ही और अब यहाँ पर सब्जी वगैरह परोसी जा रही है। पाकिस्तान के भाई खाना परोस रहे हैं और पाकिस्तान का खाना खा लेते हैं, पाकिस्तान के अब चावल खा लेते हैं। दोस्तों इसमें राजमा सब्जी चावल देखिए परोसे जा रहे हैं और वास्तव में बड़ा टेस्टी और शानदार खाना है यहाँ का इस लंगर का। पंजाबियों के लंगर तो वैसे भी फेमस हैं पर इसका खाना वास्तव में गजब का है। दोस्तों ये इनकी लंगर व्यवस्था है, जो हमने बाहर खाना खाया वो खाना ये लोग बनाते हैं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह काटी जा रही है, खाना बनाया जा रहा है। ये 24 घंटे ऐसा यहाँ काम चलता है और आप देख सकते हैं लोग सेवा कर रहे हैं। मैं आपको दिखाने देना चाहूँ ये बर्तन धोने के लिए यहाँ पर जगह बनाई गई है और सेवाएं माता बहनें सारी यहाँ पर सेवाएं कर रही है और गर्म पानी की भी यहाँ पर व्यवस्था है और आप तमाम लोग तमाम साथी देख पा रहे होंगे यहाँ पर रोटियां बेलने का भी काम चल रहा है और उस और आप देख सकते हैं रोटियां बनाई जा रही है। रोटियां काफ़ी बड़ी बड़ी बना रहे हैं एकदम से बहुत बड़े साइज में। तो आप पाकिस्तानी रोटी है क्या? जी 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 थैंक यू मैडम। बड़ी बड़ी हम देख रहे थे खाना खा रहे थे, बड़ी बड़ी रोटियाँ आ रही है, 4 रोटियाँ आती है हमारे वाले इतनी में वो तो आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर इस वक्त खाना भी बनाया जा रहा है बर्तन धोने के लिए, शानदार व्यवस्था है। और अब हम चलेंगे और आपको यहाँ का बाज़ार दिखाएंगे। हमारे साथ एक मैडम क्या कहना चाहेंगे इस गुरुद्वारे के बारे में, आप यहाँ पे आ जाए इतने दिनों की जैसे होती है सालों की महीनों की इंतज़ार के बाद अच्छा मौका मिला कि हम करतारपुर साहब आके इधर बाबा जी के दर्शन दे और बहुत बहुत उत्सुक से हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं पहले मतलब नानकसर गई हुई हूँ, लाहौर गई हुई थी, ये मेरा सेकंड ट्रिप है यहाँ पे और ऐसे लगता है जैसे बाबा जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं अभी तक। उत्सुकता थी मैडम आपके अंदर बहुत ज्यादा और हर मतलब एक एक पौड़ी पे लग रहा था अंदर कब दर्शन कब होंगे और इतने लकी थे हम के जब हम पहुंचे भी हैं यहाँ पे तो उसी समय अरदास भी हो रही थी और इतनी अच्छी अरदास हमको मिली तो अपने बच्चों के लिए सबके लिए पूरी फैमिली के लिए पूरे इंडिया के लिए हमने बहुत बहुत सारे हमने। कितने बजे पधारे थे आप यहाँ से? हम यहाँ पे हम घर से तो वहाँ से इंडिया से निकले थे 6 बजे। कहाँ से आप? हम लोग लुधियाना से आए हुए। लुधियाना से आप? अच्छा आप क्या कहेंगे? मेरा तो ये पहला परिचय है इस तरह से गुरुद्वारा में आने का, बहुत शांति लगी यहाँ पे आके और एक वातावरण तो शांत है मैडम। हम लोगों में एक है कि एक पॉजिटिव एनर्जी को हम फील अपन लुधियाना राजस्थान वालों ने शांति आज तक देखी नहीं है, सॉरी देखा है तो बहुत शांति बनी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी लगी और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके करतारपुर का। मैंने हमारा मेरी पूरी फैमिली में शायद मैं पहली ही हूँ जो कि यहाँ आई हूँ। हम हमारे मैडम भादरा में पहले हैं जो आप पहली बार आए होंगे इधर पाकिस्तान में। सही बात है, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अब लंगर में जाके कैसा खाना लगा? लंगर बहुत अच्छा लगा, जैसे सुबह से भूख लग रही थी ना ऐसा लग रहा था कि एकदम फ्रेश हो गए एकदम। सही बात, विश्वास भी होता है। हम लोग अच्छे से मेंबर्स आए हैं। कितने लोग आए हैं आप? 55 लोग हरियाणा से। हम लोग बस करके आए हम लोग। अच्छा अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ में ना रास्ते में ना यहाँ पर, अभी तक तो नहीं है, अभी जाने का टाइम है, वापस नहीं आएगी। अब तो यहाँ पे हो गई प्रार्थना, भगवान ने भी साथ दिया। बारिश हो रही थी सुबह लुधियाना में इतना ज्यादा, उसके बाद बहुत ज्यादा बारिश थी, बहुत अच्छा रहा, लंगर इतना टेस्टी होगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके हम आ रहे हैं। ठीक है मैडम, बाय, थैंक यू।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਾਂਗੀ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਜੀ 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 ਮੈਡਮ ਵਧਾਈ ਹੋ ਆਪਕੋ।